देखिए हिम्मत सिंह जी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे युवा है राजपूत समाज के, पूरे पूरे समाज के ही, उनको भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से एकात्मक भाव से 439 सीढ़ियाँ 24 घंटे में इन्होंने जो कार्य करके दिखाया, तो जो एकात्मक भाव है, जिस तरीके से अर्जुन ने उसको कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक आँख दिखी, उस तरीके से आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि मोबाइल वगैरह जो देखते हैं उसको छोड़ के ऐसी गतिविधियों में काम दे, से दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। मैं इसको इसके लिए इनके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और युवाओं को भी इस चीज़ का संदेश देना चाहता हूँ कि ये लोग और फालतू की चीज़ छोड़ के स्पोर्ट्स में इस तरीके के रिकॉर्ड तोड़े, जिससे उनका आगे जाके इस भारतवर्ष का नाम हो और इस भारत का दुनिया में नाम करने वाले, मैं इन हिम्मत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जय करनी माता, जय श्री राम। मैं शिव सिंह शेखावत हिम्मत सिंह राठौड़ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और युवाओं को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इनसे देखो, इनके अंदर जो आज 24 घंटे से चलते रहे, तो आप लोग मोबाइल पे नहीं टाइम देकर के अपने हेल्थ को ध्यान दें। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, करनी माता इन पे कृपा बनाए रखे। जय श्री राम। जो इनकी इच्छा शक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण रही है इसमें। इन्होंने इनके अंदर एक जोश था कि ये रिकॉर्ड में तोड़ूं। मैं रात को दो बार आके इनके साथ रहा था, तो कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ना इनके दिमाग में कहीं ये बात हो कि ना नहीं मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। जो इच्छा शक्ति होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, इन हिम्मत सिंह जी से जो अपनी युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको ये सीखना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो मोबाइल का उपयोग करते हैं आजकल, सारी बच्चों की लाइफ एक कमरे में गुजर रही है जो कंप्यूटर, मोबाइल और इन्हीं पे चल रही है, जबकि फिजिकल एक्टिविटी जब तक नहीं होगी तो शरीर उनका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। इसलिए बच्चों को इनसे सीखना चाहिए और एक इच्छा शक्ति दृढ़ रखनी चाहिए ताकि वो भी आगे भविष्य में अच्छे काम कर सके। धन्यवाद सर। देखिए दिलीप सिंह जी, आप लगातार आप इनसे जुड़े हो, कमांडो साहब के साथ जुड़े हो, तो कितना समय लगा अब तक, क्या क्या रिकॉर्ड अचीव किए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। यह इनका पहला रिकॉर्ड नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने 3 रिकॉर्ड तोड़े हैं। लिम्का बुक के अंदर भी आया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा। आज विपरीत परिस्थितियों के अंदर जो इन्होंने कर दिखाया, अगर आज यही विदेशी खिलाड़ी होते ना तो मैं कह रहा हूं कि जो स्पॉन्सर है उनकी लाइन लग जाती, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इन्होंने भारत के अंदर जन्म लिया और भारत में भी राजस्थान ऐसी धरती है जहां पर मंचों के माध्यम से तो कहना चाहेंगे, मंचों के माध्यम से तो बहुत चीज़ें बड़ी बातें कहते हैं हम कि हम हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको सामने लेके आओ, उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन जैसी प्रतिभाएं जब मदद मांगने जाते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करता। आज इन्होंने कुछ करके दिखा दिया है तो लोग आ जाएंगे धन्यवाद देने के लिए, साथ में जो भी है उनके। लेकिन ये हमारे बता रहा हूँ, इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में वो जो इनके सामने जाए, स्पेन का जो लड़का था जिसने 70,000 सीढ़ियाँ चढ़ी थी, उन्होंने 1,00,000 के जूते पहन करके, उस कंपनियों ने स्पॉन्सर किया था, वहाँ की सरकार ने साथ दिया था, लेकिन इस व्यक्ति ने सिर्फ 500 रुपये के जूते पहनकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। आज ये भारत का नहीं, भारत के अंदर पूरे विश्व में इन्हें नाम किया है। सर आप पूरा बताए कितना समय लगा, कितनी सीढ़ियाँ इन्होंने चढ़ी अब तक, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी, कितने समय? इन्होंने 23.5 घंटे के अंदर वो जो 70,000 सीढ़ियों का टारगेट था उनको तोड़ा है। उन्होंने 71,000 कुछ सीढ़ियां लगभग तोड़ी है 23.5 घंटे, 24 घंटे पूरे नहीं लगे हैं। तो इस बीच में कहीं तबीयत वगैरह खराब थोड़ी हुई नहीं? बीच में थोड़ा सा देखो पैरों में सूजन वगैरह आती है, उसके लिए फिजियोथेरेपी साथ में थे, डॉक्टर वगैरह साथ, उन्होंने कहा ये साथ में खड़े, इन्होंने बहुत अच्छी मदद करी है, रात भर इनके साथ में रहे। इनको मैं टीम को पूरी पूरी धन्यवाद देना चाहूँगा और ये जो इन्होंने जगह उपलब्ध कराई है उनके टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जयपुर में सारी व्यवस्था करी है। यहाँ पे बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कमांडो हिम्मत सिंह जी ने जो आज ऐतिहासिक काम किया, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है और जबरदस्त तरीके से, पहले भी इन्होंने भी आज महीने भर पहले इन्होंने वहां पे भी अपने झोटोड़ा में भी वहां वर्ल्ड रिकॉर्ड, हाँ नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है और हम तो शुभकामनाएं देंगे। हमारे यहाँ का आदमी एक जज्बा रखता है इतना जबरदस्त कि बाहर का व्यक्ति ने अगर तोड़ रखा तो इंडिया का व्यक्ति भी कर सकता है और वो फौजी कर सकता है, सीधा सा बात है। कमांडो है, फौजी है और फौज को, पूरी फौज को शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं। ऐसे लोग हमारे साथ हैं, हमारे यहाँ हैं, हम तो इनकी हौसला अफजाई के लिए आए थे, अभी इनसे मिलकर बकायदा इनको शुभकामनाएं देना चाहिए। धन्यवाद।
क्या कहना चाहेंगे आज वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम किया हिम्मत सिंह कमांडो साहब ने? सबसे पहले तो मैं इस भारत भूमि को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस भारत भूमि में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो समाज के लिए गौरवान्वित करने वाली भी हैं, और आज इस मौके पर मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश, पूरा भारत देश और विशेष रूप से जौनपाड़ा जो क्षेत्र है, वैशाली नगर जौनपाड़ा, यहाँ के लोगों को गर्व इसलिए है क्योंकि कमांडो हिम्मत सिंह जैसे जो लोग हैं, कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई हैं, लेकिन जब वो सामने आती हैं तो हमें वास्तव में हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आज जो उन्होंने किया ये एक साधारण बात नहीं बल्कि असाधारण बात है। धन्यवाद मैम। सर इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप हिम्मत सिंह जी के साथ हो, 24 घंटे किस तरह से संघर्ष किए इसके बारे में विचार करेंगे? सबसे पहले तो सबको धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद, यहाँ जितने लोगों ने इनकी हौसला अफजाई किया उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हिम्मत सिंह एक नॉर्मल परिवार से है और बहुत ही इसने कीर्तिमान स्थापित किया है। 500 रुपए के जूते पहन करके इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो जितने भामाशाह और सरकार जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे भामाशाह, उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रतिभाओं को आर्थिक सहायता भी दे ताकि आने वाले समय में और कुछ ज्यादा कुछ कर सके, क्योंकि कुछ साधनों के अभाव में हमारे खिलाड़ी, हमारे ऐसे लोग है वो पिछड़ जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा जोर होगा सरकारों से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से और भामाशाहों से कि ऐसी प्रतिभाओं को आर्थिक सहयोग भी प्रदान करें। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुबेदार मेजर गिरधारी सिंह जोधा, आर्मी एजुकेशन कोर। धन्यवाद मैडम। और भी खड़े हैं, महिला खड़े हैं। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? मैं यही कहना चाहूंगी कि पहली बात तो मैं इसको दिल से सैल्यूट करूंगी, और दूसरी बात है कि इन्होंने मुझे कॉल किया कि जीजा आपको पधारना है, तो मैं दो बार किया, तीन मिनट का, मैं बिल्कुल पधारूंगी कि इनके पर इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि देश में माँ, हर बच्चा, हर माँ ऐसा बच्चा पैदा करे जो इतना जज्बा और इतना हो। और इन्होंने जो काम किया पूरे, मतलब राजस्थान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, रिकॉर्ड में, देश विदेश में जो भी राजपूत समाज बैठा है उनको सबको ये होना चाहिए गर्व से कि हमारा भाई कोई आज वर्ल्ड रिकॉर्ड सीढ़े तोड़ी। इसी खुशी मौके पे ये क्या संदेश देना चाहेंगे और आगे क्या मैसेज है, इन सब से जान कर लेते। सबसे पहले तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं इस खुशी के मौके पे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैसेज तो ये है कि उन्होंने, जैसे इन्होंने मेहनत करी है, सभी करो है मेहनत, ऐसे देश का नाम आज उन्होंने बहुत ऊंचा किया है, बहुत खुश है हमसे। जब आपको पता चला कि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ लिया तो आपको कैसा फील हुआ? अंदरूनी फीलिंग्स बताएं, जाहिर कीजिए। वो फीलिंग्स बताई नहीं जा सकती, शब्द में बयां नहीं की जा सकती, इतनी खुशी हो रही है। इससे पहले भी इन्होंने दो रिकॉर्ड तोड़ा। हाँ हाँ बहुत तोड़े। तो आगे किस तरह से मोटिवेट करेंगे उनके फ्यूचर प्लान के लिए? आगे उन्होंने क्या सोच रहे, आगे क्या करना चाहते हैं? कुछ छुपी भी बात आपके पास रही है? नहीं तो नहीं, जैसे वो छुपी नहीं हो, उन्हें जो करते हैं वो अचानक ही करते हैं, सडनली किसी को बता के नहीं करते। अब उनके जज ने कहा ये करना है तो बस वो करने ही है किसी भी कंडीशन में। कल यहाँ पे 5:31 पे उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उससे पहले आपको मैसेज दिया था, क्या क्या मैसेज दिया था उन्होंने, क्या बोल के आए थे घर से? घर से बोल के आए थे कि मैं रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूँ, बस तीसरा तोड़ने जा रहा हूँ। तो आपको पूरा विश्वास था? आपको हाँ पूरा विश्वास था। खुशी के मौके पे क्या जश्न मनाना चाह रहे हो आप? परिवार वालों के साथ मनाएंगे जश्न सब। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? दिव्या शेखावत। धन्यवाद। भी जानकारी लेते हैं यहाँ पे जो दर्शक आए हुए हैं, इनके मिलने वाले चाहते भी आए हुए, इनसे भी जानकारी लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर इस मौके पे क्या मैसेज देना चाहेंगे खुशी के मौके पे? सर सबसे पहले तो मैं हिम्मत सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वैसे ये हिम्मत सिंह जी की फैमिली है जी, तो कोई गेस्ट नहीं है, ये प्रॉपर हिम्मत सिंह जी की फैमिली है। हम तीनों हिम्मत सिंह जी हिस्सा है, ये तीनों सिस्टर है और इधर उनकी वाइफ भी इधर ही है। बिल्कुल। और हम मतलब कल से 24 घंटे हम तीनों साथ में ही है, साथ में चल रहे हैं। जुनून ही आदमी है, जो जुनून ठान लेता है वो करता है। सर ऐसे जुनून कहाँ से आई हिम्मत सिंह जी के अंदर? मुझे कुछ करके दिखाना, दो दो रहे वो रिकॉर्ड पहले भी तोड़ा है। ये जुनून एक प्रकार से पारिवारिक है, इनके परिवार में शुरू से आर्मी से रिलेटेड सभी है, आर्मी पृष्ठभूमि का परिवार है। पापा इनके आर्मी में थे, खुद आर्मी में थे,
हम तीनों जिनके बहनों ही है वो हम आर्मी में है, इनके काकू साहब वो आर्मी में है, तो परिवार में ऑब्वियसली आर्मी का एक पूरा ही बैकग्राउंड है। आर्मी का बैकग्राउंड होने के नाते वो उसके बाद में शुरू से ही इनके जब बीमार हुए थे उसके बाद में इनका एक जुनून सा हो गया था। फिर आर्मी में गए, वहाँ पे कमांडो कोर्स वगैरह किया, वापिस आकर के इन्होंने जब कुछ बंदों को देखा था जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने उन बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देना फिजिकल शुरू कर दिया था। तो इन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग दिया, वो यहाँ पर कोई नहीं देख पा रहा है, लेकिन कम से कम इन्होंने 200 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि इन्होंने ट्रेनिंग देकर के रोजगार लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में अभी इनका एक जुनून हुआ, पिछली बार उन्होंने एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था स्टेन का जो कि खातीपुरा पुलिया पे किया था, अभी इन्होंने ये यहाँ पे किया है जो कि हम इसके साक्षी हैं। मेरा नाम पृथ्वी सिंह शेखर, मेरे साला जी हैं। धन्यवाद सर, देखिए इतनी शुभकामनाएं जी। और सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, आप रिश्तेदार परिवार से बिलोंग करते हैं? मैं तो यही बोलता हूँ कि ये मेरा भाई लगता है और मैं भी आर्मी से बिलोंग रखता हूँ और इसमें जुनून है, शुभकामनाएं देता हूँ इसको और आगे भी ऐसे तरक्की करता रहे। सर आप क्या मैसेज देंगे आशीर्वाद के रूप में? ये कमांडो का कोर्स किया हुआ है, मेरा भांजा लगता है, मैं मामा जी लगता हूँ उसके, और इनका फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से रिलेटेड ही है और शुरू से इसका इसने एक मकसद बना लिया था आर्मी में रहते हुए को रिकॉर्ड तोड़ना है, रिकॉर्ड इसने बीट कर दिया, उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर क्या मैसेज देंगे आप? हाँ ये हिम्मत सिंह जी मेरा भांजा ही है और बहुत कार्यकर्ता और बहुत हिम्मत वाला आदमी है, वहाँ का मॉडल कोर्स भी इसका होश से और अभी भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ के काम कर दिया। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे और भी महिलाएं, उनकी सिस्टर्स वगैरह खड़ी, उनसे भी जानकारी लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सुकान जी? पहले तो मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहूंगी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पे, हम तीनों बहनों की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे भारत वर्ष की तरफ से कि उनको बहुत बहुत बधाई हो। और इससे पहले भी उन्होंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं हम। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम महिला सशक्तिकरण से घर परिवार वाले उसको बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और आगे भी उसने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं, अब ये तीसरा बनाया है, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इस तरह का रिकॉर्ड लगातार बना रहे, पहले भी 2 रिकॉर्ड बने, अब ये तीसरा गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड करे। कम समय में कितनी सीढ़ियां चढ़ी आपको मालूम है? 162 राउंड में, एक राउंड में सीढ़ियां 439 सीढ़ियां होती है। इसके चलते क्या खुशी के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि वो आर्मी में भर्ती होने के लिए भी बहुत जुनून था उसको जी। और तब से लेके हम उसको जुनून ही देखते आए हैं मतलब, और उसको बहुत 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 बधाई देना चाहेंगे। धन्यवाद।